हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथ यानी गणित का लेशन नंबर 7 भिन्न यानी फ्रैक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो से पहले लेशन नंबर 6 तक के वीडियोस बन चुके हैं, जरूर उन्हें देखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 बन चुका है, जरूर देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 को स्टार्ट कीजिएगा। जैसे मैं हमने पढ़ाया था, आपको बताया था कि भिन्न क्या होता है, अवरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों को समझाया था हमने कैसे लगाते हैं। इसमें हमने ये भी बताया था कि अगर हर समान हो तो कैसे पता कर सकते हैं, तुरंत देख के ही कैसे पता कर सकते हैं कि कोई कौन सा छोटा भिन्न है, कौन बड़ा भिन्न है। साथ में अगर अंश समान हो तो कैसे पता कर सकते हैं कौन छोटा भिन्न है, कौन बड़ा भिन्न है। अब उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। देखिएगा, ना अंश समान है ना हर समान है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे 2/3 है, ये 3/4 है। दोनों में अंश हर कुछ भी समान नहीं है। यहाँ 2 है, उधर 3 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो हर भी समान नहीं है, अंश भी समान नहीं है। इस तरह के प्रश्न भी दिए जाते हैं कभी कभी। इसमें पूछ दिया जाता है कि भिन्न कौन सा छोटा है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा अवरोही क्रम में सजा हुआ है, चाहे अवरोही क्रम में सजा दीजिए, ये पूछा जाता है। तो कैसे आप बताएंगे? सबसे पहले पहला तरीका हम आपको बताते हैं, दो तरीके आपको आज बताएंगे। तो पहला तरीका आपको बताते हैं, जैसे में अगर प्रश्न में लिखा गया 2/3 और है आपका क्या 3/4, तो जो नीचे का है इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ऊपर का भी कर सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप नीचे का एलसीएम निकालिए। नीचे का एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों में किसी भी अंक से भाग नहीं लगेगा। एलसीएम निकालना जानते होंगे, लसो जिसे जानते हैं हिंदी में, लघुतम समापवर्तक हिंदी में, तो निकालना जानते होंगे। नहीं को लेशन नंबर 3 के वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, एक स्पेशल वीडियो इस पर लेके आएंगे। देखिए 3 है और क्या है 4 है। जब किसी भी अंक से इसे भाग नहीं लगता है तो दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एलसीएम इसका कितना आएगा बाबू, दोनों को गुणा करेंगे 12। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत तेज़ी से आप कर पाएंगे अगर ये विधि समझ गए तो। बहुत तेज़ी से देख लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा। जब ये 12 हो गया तो हम क्या करते हैं, ये जो है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम चाहते हैं 12 हो जाए। और ये भी हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या, मान लीजिए 3/4 है, कोई भी संख्या अगर इसको 12 करना है तो 3 4 3 12 होता है। ऊपर में भी अगर 3 से गुणा कर दें तो ये कट के 1 हो जाता है। वो कोई भी संख्या से ऊपर में गुणा करें और नीचे में गुणा करें तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों समान होना चाहिए। ये 3 है, ये 3 है, अगर ऊपर 3 है नीचे 2 लिख देंगे गलत हो जाएगा, चाहे ऊपर 2, मैंने कुछ भी अंक अंतर हुआ तो गलत हो जाएगा, लेकिन दोनों समान से हम गुणा कर सकते हैं। यही करना है हमको, 4 3 12 इतना हमको लेके आना है। को 4 3 12, 3 3 9, कौन 1 आया कितना 9/12। ठीक है, अब इसमें कितना से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे इधर 4 से गुणा कर दीजिए। को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, को 4 2 होता है 8 और ये हो जाएगा 4 3 12, को 12 12 समान हो गया, ये हो गया 8 और 9। अब 8 और 9 में आपको देखना है कि इसमें कौन छोटा है। तो हमने बताया था कि हर जब समान होता है, क्या होता है, हर जब समान होता है तो जो छोटा अंक होता है वो छोटा होता है, छोटा भिन्न होता है। छोटा अंक कौन है, 8/12 है, तो 8/12 क्या हो जाएगा मेरा, छोटा भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8/12 छोटा भिन्न हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। 8/12 किसका मान था, किसका मान था 2/3 का, बस देखना है और टिक करना है। आपको नीचे गुणा करने की जरूरत ही नहीं, दोनों का एलसीएम निकालना है, 12 आएगा, 3 4 12 4 आया, गुणे 4 कीजिए, यहाँ 4 2 8 आ गया, गुणे कितना कीजिए इधर 3 कीजिए, 9 आ गया, ये हो गया 8, ये हो गया 9। अब इसमें देखेंगे छोटा कौन है, ये छोटा है, ये आंसर कर दिए। बड़ा पूछेगा कौन बड़ा है, अगर 9 कर दिए, इससे अतिरिक्त भी होगा उसे केवल एलसीएम निकालिए, तुरंत कीजिए और आंसर टिक कीजिए। तो ये एक तरीका हुआ, इस तरीकों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैथ में सबसे बड़ी बात ये होता है कि आप उसे पढ़ें समझें, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल रूप से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो ये बड़ा दिक्कत करेगा आपको। तो ये बुक जो एनसीईआरटी बुक होता है उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए उसे जरूर सॉल्व कीजिए। और यही चीज़ हमने लिखा भी है, दूसरा विधि थोड़ी देर में बताते हैं हम आपको। दोनों का लसन निकालेंगे तो 12 आया, हम दोनों को उस संख्या से गुणा करेंगे जिसमें दोनों का हर समान हो अर्थात 12 हो,
वो 2 में 4 से गुणा हो गया, 3 में 4 से गुणा हो गया, 8/12 आया, 3 में 3 से गुणा हो, 4 में 3 से गुणा, 9/12 हो गया। तो छोटा भिन्न कौन हो जाएगा, 8/12, यानी कौन सा हो जाएगा, 2/3 वाला ये, ठीक है। इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं, भाग विधि, भाग भाग वाला कौन सा विधि है वो भी सीख लीजिए। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा 2/3, दूसरा आपका क्या हो गया, 4/3/4, 2/3, 3/4, इसको क्या करते हैं ना, भाग दे देते हैं ऊपर। तो भाग कैसे देते हैं, तो भाग आप यहां भी दे सकते हैं, हमको डायरेक्ट वहां दे सकते हैं, लेकिन यहां दे देते हैं, ये 2 आया। अब यहां दशमलव बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा, दशमलव वाला भाग देना होता है इसमें। को 3 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, को ये हो जाएगा 6 3 का 18, 6 3 का कितना होता है 18, फिर ये 2 आ गया, फिर यहाँ पे दशमलव दे दिए तो यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ पे 6, ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा, फिर 18 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे करके बढ़ेगा ये। तो ये हो गया 6 6 लगता रहेगा। अब इसको भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो इसको हम यहाँ दे देते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, दशमलव देंगे 0 आएगा, 30 आएगा, कितना बार में जाएगा, को ये जाएगा 4 8 4 16 4 25 4 6 24 4 7 28, 4 7 कितना है 28, फिर 2 आया। तो यहाँ इसको काटेंगे तो दशमलव कितना आ रहा, 7। अब इसके बाद और भी अंक आएगा, तो यहाँ पे आया कितना, दशमलव के बाद क्या है, ये 7 है, ये दशमलव के बाद क्या है, 6 है। तो इसमें छोटा कौन सा है, को 6 वाला छोटा होता है ना अंक, जो छोटा होता है, देखिए पहला ही स्थान मिला रहे, आगे भी जाएगा, 0 गया तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आगे भाग देते हैं तो 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, यानी 75 के करीब, ये 75 आएगा, को 75 आया, ये 0.66 आया, यानी 66 आया, कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 7 5 वाला बड़ा है, क्योंकि पहला अंक 7 है और ये पहला अंक कितना है, 6 है, 66 और 75 में देखेंगे तो 75 आपका बड़ा है, ये जनरल भाषा में। लेकिन इसमें देखा क्या जाता है, पहला अंक देखा जाता है, पहला अंक 7 बड़ा है, ये 6 छोटा है, कोई छोटा हमको बताना है तो कौन होगा, 2/3 होगा। बस इसी तरीके से आप आराम से पता कर सकते हैं, कोई याद रखिएगा, कभी गलती मत कीजिएगा, कभी गलती मत कीजिएगा, 2 फॉर्मूले बताए हैं, दोनों का आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ अवरोही और आरोही और अवरोही क्रम दे दिया जाता है, तो आरोही 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 हमने शब्द लिखा था, आरोही होता है कितने अक्षर का, 1 2 3, 3 मतलब क्या हो गया, ये हो गया अवरोही, अवरोही अवरोही कितने अक्षर का है, 1 2 3 4 अक्षर का, ये 4 हो गया। बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो जो बड़ा होता है वो पहले लिखते हैं अवरोही में, ये घटते क्रम में होता है, और आरोही क्या होता है, 3 छोटा है, को 3 हो गया, यानी छोटा पहले, छोटा पहले यानी बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में यानी छोटा पहले, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। अवरोही क्या हो जाएगा, अवरोही हो जाएगा सबसे बड़ा वाला पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके का पिक्चर भी अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, कभी गलती मत होगा। तो इसमें 2/3 और 3/4 दो ही को मान लीजिए और भी होगा, इसको सजाने के लिए कहा जाए, तो अगर हमें आरोही क्रम में सजाना है तो कैसे सजाएंगे, तो आरोही क्रम में ये लिखा ही है, क्योंकि 2/3 क्या है, छोटा है, को छोटा के बाद फिर बड़ा लिखा है हमने, अवरोही क्रम में सजाना होगा तो कैसे सजाएंगे, 3/4 आप फिर हो जाएगा आपका 2/3, ठीक। और इसके बाद हम सिंबल भी लगाना बताएंगे कि अगर इस तरह का सिंबल देना हो तो कैसे देंगे, या इस तरह का सिंबल देना हो, यहाँ पे इस तरह का सिंबल होगा तो ये कैसे होता है, ये भी आपको समझाएंगे हम। फिलहाल इतना समझ गए, आरोही में अवरोही में आए तो भी साथ में छोटा बड़ा कैसे पहचान सकते हैं, तो ये इतना समझ गए, समझिए कि 1 या 2 मार्क्स आपके फिक्स हो गए, वो आपका 6 to 8 का एग्जाम हो या 1 to 5 का एग्जाम हो, उसमें एक प्रश्न निश्चित ही इस तरह के पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी ये 8/12 लिखा गया है ना, 8/12 इसका आंसर नहीं होगा, आपका 2/3 ही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में ये है, ये तो हम फॉर्मूला लगाए थे कि किस तरीके से पता किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कितनी जल्दी आप करते हैं, उचित चिन्ह भरिए, क्या करना है, उचित चिन्ह भरना है। ये देखिए, अब ये जो है बड़ा छोटा का साइन है, छोटा बराबर बड़ा, इस तरह का साइन है, तो कैसे भरेंगे, ये क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। देखिए 1 लिखा गया है, 1/2,
एक लिखा गया 1/5। देखिए इसे बड़ा छोटा के नाम से जानते हैं, लेकिन हम एक ही आपको फंडा बताएंगे ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। इसका मुंह जिधर खुला रहेगा, इसका मुंह जिधर खुला रहेगा वो समझिए वो उसके सामने वाला बड़ा है। इधर मुंह खुला है यानी ये बड़ा है, इधर मुंह खुला है यानी इधर वाला बड़ा है। जिधर मुंह खुला रहेगा वो क्या हो गया, वो संख्या बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/5 है, ऊपर में क्या है अंश, ऊपर में क्या है अंश है, तो अंश यहाँ पे देखेंगे तो दोनों एक है और अंश यहाँ पे क्या है समान है। जब अंश समान हो तो हर में जो छोटा अंक होता है, हर में जो छोटा अंक होता है वो बड़ा होता है, वो क्या होता है बड़ा होता है। इसमें 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा है, तो आप किसको कहेंगे 1/2 यहाँ पे क्या है बड़ा है, तो इस तरह का चिन्ह बन जाएगा। अब 1/2 क्यों बड़ा है, क्योंकि किसी भी चीज को दो ही हिस्सा में यहां बांटा गया है। मान लीजिए एक आम लेके आए, उसको कितने हिस्से में बांटा गया, दो हिस्से में बांटा गया है, और ये पांच है, एक आम लेके आए हैं तो उसको पांच हिस्से में इसको बांटे हैं, जैसे बराबर बराबर संख्या में बांटना है तो पांच हिस्से में इसे बांटे हैं। तो पांच हिस्सा में से एक हिस्सा आपको दे तो आपको अच्छा लगेगा कि दो हिस्सा में से एक हिस्सा दे दें, यानी एक आम का दो हिस्सा में से एक हिस्सा आधा आपको दे दें तो आपको खुश हो जाइएगा। आप पांच हिस्सा में से एक हिस्सा देंगे तो आप क्या कीजिएगा, झगड़ा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, वही चीज यहां समझना है। कभी गलती बाबू मत कीजिएगा। तो 1/2 में इधर मुंह खोल के रखेंगे यानी ये क्या है बड़ा है। तो पहले में क्या भरना होगा, का पहले में इस तरीके से भर दीजिएगा। दूसरा 2/4 है और 3/6 है, इन्होंने लिखा क्या है कि 2/4 और ये लिखा है इन्होंने 3/6। इसको क्या हम काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं। 2/4 को 2 × 2, 2 × 2 = 4 यानी 1/2 आ गया। ये इधर काटिए 3 × 3, 3 × 2 = 6 यानी 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, दोनों 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तुल्य भिन्न जो आपको हम समझा रहे थे, कोई ये भी 2/4 है और ये भी 3/6 है, जो काटने पे हमें क्या प्राप्त होता है 1/2, 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, तो क्या है दोनों बराबर है ना। तो बराबर का सिंबल हम ये देते हैं, बराबर का सिंबल हम किस तरीके से देते हैं, तो इस तरीके से देते हैं कि इसमें क्या भराएगा बराबर भराएगा, याद रखिएगा इसमें क्या भराएगा बराबर, ये बीच वाला दोनों का प्रयोग हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये है 3/5, ये और है क्या 2/3, 3/5 है 2/3 है, तो इसका हम चाहेंगे कि आप एक बार सॉल्व जरूर करें। इसमें ऐसे इस तरह का डिनोट होगा यानी ये वाला अंक क्या है बड़ा है, लेकिन इसे सॉल्व करने का एक बार कोशिश कीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए हम सॉल्व ही कर देते हैं, नीचे में कितना से गुणा करें, मान लीजिए ये है, चलिए इसे मिटा देते हैं, यहाँ बनाते हैं, अंक क्या है 3/5 है, हमसे पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, 2/3 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 15 आएगा, तो इससे इसमें गुणा करेंगे 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, और इसमें कितना से गुणा करें 3 × 3 = 9 हो गया, और ये 5 × 2 = 10 हो गया। अब बताइए बड़ा कौन है, 9 बड़ा है कि 10 बड़ा है, क्योंकि ये दोनों को बराबर कर दिए ना, ये 15 आ गया ये 15 आ गया, गुणा करेंगे तो आप करके देखिएगा, तो ये 9 है 10 है, कौन बड़ा है, जब हर, जब ये नीचे वाला क्या होता है हर जब समान हो तो ऊपर जो भी संख्याएं होती हैं उसमें बड़ा अंक बड़ा होता है। बड़ा अंक कौन है, ये 10 वाला है ना, 9 तो नहीं है ना, 10 है ना, ये इधर से लग जाएगा। ठीक बन गया, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। अब देखने से ये आपको बहुत दिक्कत लगेगा, घंटा है ये है वो है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये घंटा में यहाँ भी चर्चा है और यहाँ भी क्या है घंटा में चर्चा है, और यहाँ देखिए यहाँ ये 3 अंश और ये 3 अंश दोनों क्या है समान है, और पूछा क्या है लंबे समय तक यानी ज्यादा कौन समय लेता है, तो जाहिर सी बात है जब अंश समान हो यानी ऊपर वाला जब समान हो तो जो भी छोटा अंक होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। तो छोटा अंक इसमें कौन सा है, तो छोटा अंक कहिएगा कि सर ये 4 वाला है छोटा अंक, ये तो 6 है ये 4 है, तो छोटा अंक वाला बड़ा है, यानी 3/4 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, 3/4 किसका है, 3/4 है आपका रोहित का, ये क्या हो गया आंसर हो गया रोहित। समान अंश हो तो हर जिसका छोटा है वो भिन्न, वो बड़ी भिन्न है,
बहुत ही आसान तरीके, केवल देखना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है, बस कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, कभी गड़बड़ मत कीजिएगा और घबराइएगा नहीं, घबराने में ना दिक्कत हो जाता है। और इस वीडियो को एक बार या दो बार या तीन बार जरूर देखिएगा, एक बार देखने के बाद ऑडियो साइलेंट कर दीजिएगा और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भिन्नों का योग तथा व्याकलन यानी घटाना। व्याकलन शब्द दे देगा, व्याकलन मीन्स क्या होता है, घटाओ या घटाना। अब घटाना कैसे है, 5/6 है, 3/4 है, तो 5/6, 3/4। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना, हम आपको बता देते हैं कि दोनों का नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है, कि 6,4 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये हो गया 6 और 4, ये नीचे वाले का, तो 6 4 का निकालेंगे, 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, और इसको आपस में, अब किसी से भाग नहीं लेगा, आपस में गुणा कर दीजिए, आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, को 2 2 3 6 6 2 12, कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। देखिए एलसीएम यानी लस कितना है, 12 आ गया, ठीक है, चलिए 12 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, आगे देखिए क्या है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, ये तरीका थोड़ा किताबी है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए अलग ही बना देते हैं, 5/6 है और ये क्या है, में से घटाइए, -3/4 है, -3/4 है। अब इसको बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे ऐसे बट्टा का दे देंगे चिन्ह। 6 4 का कितना आया, 6 4 का एलसीएम 12 आया। अब 12 आया, 12 को 6 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, को 6 2 12 कितने बार में गया, 2 बार में, को 2 को हम ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 5 2 कितना हो गया, 10, माइनस का साइन। अब देखिए यहाँ पे 4 है, वो 4 को 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 3 12 यानी आया कितना, 3, को ऊपर में कितना से गुणा कर देंगे, 3 से, वो 3 3 कितना आ गया, 9, को 10 में से 9 गया कितना आया, 1/12, ठीक है। अगर ये प्लस वाला होता, अगर ये मान लीजिए माइनस के जगह क्या होता, प्लस होता है, तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 19/12 हो जाता है। तो ये माइनस हो या प्लस हो कुछ करना नहीं है, केवल सिंबल पे ध्यान देना है। माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे आपस में, और प्लस होगा तो आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। माइनस है तो 1/12 आ गया, प्लस होता तो 19/12 आ जाता है। आई बात समझ गए, बट्टा का जोड़ और बट्टा का घटाओ यानी व्याकलन दोनों सीख गए, बट्टा का योग भी सीख गए, बट्टा का व्याकलन भी सीख गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए, देखिए इसको कैसे हल करते हैं, अगर इस तरीके से भी हल कर सकते हैं जो इसमें दिखाया गया है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हल करना भी सिखा देते हैं, अनेक और भी तरीका है, इसको क्या कीजिए, हमने आपको बताया था, इसको तोड़ लीजिए, को 5 को 2 से गुणा करेंगे, को 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10, और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, को ये हो जाएगा 24, कितना, 5 2 10, 10 4 24, 24/ क्या हो जाएगा, 5, और जोड़ना है तो ये प्लस का साइन हो गया। और इसमें देखिए 6 3 18, 18 5 कितना होता है, 18, 19 20 21 22 23, ये हो गया 23/6, क्या हो गया, 23/6। या तो इस तरीके से बना लीजिए, आगे जो हमने बट्टा का जोड़ बनाया था, इसका एलसीएम निकाल के यानी 6 5 30 करके आपस में गुणा करके बना लीजिए, नहीं को दूसरा तरीका बताते, यहां से तो आप हल कर सकते हैं। ये हमने कैसे किया, 5 2 10, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 6 3 18, ऊपर वाला जोड़ दिए, 18 19 20 21 22 23, 23/6, 24/5, इस तरीके से भी बना सकते हैं। नहीं एक और तरीका है, उसे भी देख लीजिए। एक और तरीका क्या है, को तरीका ये है कि देखिए ये पूर्ण संख्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या, जैसे हमने सेव काटा था उसमें बताया था आपको पूर्ण संख्या, पिछला वीडियो देख लीजिए, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या 2 और 3, क्या है, 2 और 3, 2 और 3 अलग कर लीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा, अगर जोड़ते हैं तो 2 3 हो गया आपका 5, 2 और 3 बाहर निकालनी है, 2 3 को जोड़े तो कितना हो गया, 5, 5 प्लस, अब इसको कर लीजिए, 4/5 प्लस 5/6, इसको कर लीजिए। अब इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 5 30, और ये हो गया आपका 6 4 24, जैसे हमने बताया था 6 4 24, ये 5 5 25, ठीक है। अब जोड़िए इसको, ये हो जाएगा आपका 25 25 25 50 होता है, यानी 49/30 हो जाएगा, 49/30 यानी 5 प्लस 49/30 हो गया। अब नीचे यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरीके से इन्होंने बनाया होगा, देखिए यहाँ पे 5 प्लस 49/30,
अब इसको क्या करते हैं, अब 49/30 है तो 30 से एक बार में भाग चल जाएगा, 30 से एक बार में भाग लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19 कहाँ लिखते हैं, 19 ऊपर लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 30 और एक क्या करेंगे, को एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया, को 5 में एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये हो गया 6, वो 6 19 30 आ गया। यानी को ऊपर जैसे हम बनाए हैं उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बाद में उसे तोड़ लीजिएगा भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। माइनस में क्या करना होता है, माइनस में ठीक वहां पे घटाव कर देना होता है। एक माइनस का भी हमने लेके आया, लेकिन टफेस्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टफ होगा। यहाँ पे देखिए कैसे बनाते, नहीं इसके नीचे वाला टफ है, 8 नंबर वाला माइनस वाला बहुत आसान है, इसे आप कर सकते हैं, या तो आप तोड़ के बना लीजिए। हम तो कहेंगे कि सबसे सहज उपाय है, इसको आपस में तोड़ लीजिए, पांचों का 20 2 22 कर लीजिए, ये कर लीजिए, 5 5 2 9 10 1 11 ये कर लीजिए, ऐसे बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी हम बना सकते हैं आप, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका अपनाइएगा तो बेहतर हमको लगता है। ये देखिए 5 में 4 से गुणा कीजिएगा कितना आएगा, 5 5 20 और ऊपर वाला जोड़ देंगे कितना आएगा, 22/5 कितना है, 22/5 माइनस, ये देखिए 5 2 9 10 1 11 11/5 कितना है, 5। अब 5 5 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए हम कर देते हैं 5 और 22 में से 11 गया, 22 11 तो ये हो जाएगा 11/5, ये आंसर हो गया। देखिए इन्होंने बनाया होगा, अच्छा 11/5 आ गया। तो अगर इसको पूर्णांक में भी तोड़ना होगा, यानी इस तरीके से तोड़ना होगा, जिसे मिश्रित भिन्न के नाम से जानते हैं, इस तरीके से तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए 11/5 है, तो 11/5 को तोड़ने के लिए ये भी हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, को ये 5 से जाएगा, को 5 2 9 कितना हो जाएगा, 10 और ये हो गया 1, यानी आएगा कितना, तो शेषफल ऊपर हो गया, यानी ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे का नीचे, और ये जो आया है आपका भागफल ये यहाँ आ जाएगा, को 2 1 5। देखिए यहाँ 2 1 5 आया है कि नहीं, इनका आंसर आ गया ना 2 1 5। को या तो इस तरीके से बनाइए, नहीं तो इस तरीके से बनाइए, जो भी तरीका अपनाना है वो तरीका आप अपना सकते हैं। इस तरीके में देखिए दिक्कत का क्या होगा, अगर उसे नहीं तोड़ के बनाते हैं, मतलब मेरे तरीके से अगर आप नहीं बनाते हैं, इस तरीके में एक दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए कभी कभी होता क्या है कि ये पीछे वाली जो संख्या होती है ना, ये बड़ी हो जाती है, जैसे 1/4 है, ये 5/6 है, तो ये 5/6 क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है को माइनस वाले में आपका दिक्कत हो जाता है, ये घटेगा नहीं। तो इससे क्या करेंगे, एक हारसील लेंगे तो ये गुणा करेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे, तब जाके ऐसे बनेगा, इसे भी अपना सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये आपस में गुणा कर दीजिए, 8 4 32 1 33 33/4 और ये कीजिए माइनस, ये हो गया 6 2 12 12 13 14 15 16 17 17/6। अब दोनों का एलसीएम निकाल के आराम से बना लीजिए और दोनों के बीच में घटा दीजिएगा, फिर भाग देके बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज और नहीं बताया गया जो हम आपको बता देते हैं, लेशन में बस इतना ही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप एक बार टोटल प्रश्नावली बना के देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। अब हम यहाँ पे एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, वो है अगर इसका गुणा आ जाए, यानी अगर गुणा या भाग पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे, गुणा और भाग, बट्टा का गुणा और भाग जो आप जानते हैं। मान लीजिए गुणा दिया जाए तो 3/6 है गुणे 4/9 है, और ये बट्टा का ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसे मतलब हल कीजिए, तो इसे हम कहते हैं बट्टा का गुणा कहते हैं, या भिन्न का गुणा कहते हैं, या कुछ भी जो भी लिखा जाए उस तरीके से इस तरह का प्रश्न दे दीजिए या कर दीजिए कि इसे हल करें। तो कैसे करेंगे, तो इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा जाता है। को कैसे करते हैं ये, तो देखिए इसको आपस में काटना होता है, काटेंगे कैसे, कि ये इससे जा सकता है, ये इससे जा सकता है, या ये ऊपर नीचे कट सकता है, ठीक इस तरीके से कट सकता है, जैसे काटना चाहें वैसे काट सकते हैं अगर भाग लगेगा तो हम काटेंगे ऐसे, ये हो गया 3 3 9 3 3 9 हो गया। अब इसे काटेंगे को कितना आएगा, ये हो गया 2 2 4 2 3 6 यानी कितना आ जाएगा, ऊपर में 2 यहाँ एक बार में गया है, 2 1 2 हो गया और ये हो गया 3 3 9 को ये 2/9 आ गया। इसी को हम बट्टा का क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, या भिन्न का गुणा कहते हैं। गुणा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 1/6 और यहाँ 6/9 इसको कीजिए,
ये गुणा का साइन है। तो इसको क्या करेंगे, हमने बताया था ऐसे ऐसे हम करते हैं, तो 6 से एक बार में कट गया और 1/9 आ गया। कुछ नहीं करना है, बस आपस में ये कर देना है, भाग कर देना है। अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखते जाइए, ये मैं प्रैक्टिकल रूप से आपको करा रहा हूँ और वीडियो को साइलेंट करके भी आप बनाइएगा। एक और क्वेश्चन है ये आपका 6/9 और इधर कर लीजिए 1/7, 1/7 लिख देते हैं। अब देखिए ये कैसे कटेगा, ये 1/7 तो कटेगा नहीं और ये 6/9 है तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। इसका कितना आएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे, ये 2 हो गया, ये 17 × 21 हो गया। इतना बस आप गुणा में बना लेते हैं तो समझिए सारा हल कर लीजिएगा। यानी ऊपर से नीचे भी कट सकता है, ऊपर से नीचे या तिरछा ये कटता है, ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। अब बट्टा का भाग देख लेते हैं। बट्टा का भाग दे देगा, मान लीजिए वही क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 6/9 और इसमें ले लेते हैं मान लीजिए 6/9 हो गया और भागा कर देते हैं आपका 6/3, 6/3 कर देते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछे और कहे ये इसे हल करने के लिए, ये आपका भिन्न का भाग भी है तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए ये जो पोजीशन है ना, ये भाग का जो सिंबल है इसको गुणा में चेंज कर देते हैं। गुणा में चेंज करने पे ये अप डाउन हो जाता है, यानी ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला आपका सॉरी ऊपर नीचे वाला आपका ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ठीक है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6/9 और यहाँ हो जाएगा गुणा का सिंबल, ये चेंज हो गया गुणा और ये 3/ क्या हो जाएगा, 6 होगा। अब इसको आपस में काट दीजिए, ये कट सकता है आपका 3 × 9 और 6 × 6, ये कट गया यानी 1/3 आंसर हो गया। तो ये भाग रहेगा तो इस विधि द्वारा हल कीजिएगा, यानी केवल उल्टा कर देना है, यानी ये 6 ऊपर था को इसको नीचे कर दिया, 3 नीचे था को इसको ऊपर कर दिया, बाकी ये सेम रहेगा, ये 6 ऊपर है तो ऊपर, 9 नीचे है तो नीचे, ये सेम रहेगा। तो मुझे ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरीके से पूरे लेशन को अच्छे तरीके से इंजॉयफुल करके समझ चुके होंगे और मुझे नेक्स्ट चैप्टर लाने में खुशी होगी अगर आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं। तो आज हम भिन्न को पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके हैं और समझ सके हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।